क्लब फॉर द ब्लाइंड। अचानक अंधत्व आने पर परेशान ना होना, स्वयं की कमी को भूलने के लिए इस क्लब की मेंबरशिप लेना और आनंद उठाना। हर रोज नया मनोरंजन, बहुत कम शुल्क, टैक्स नहीं। आएंगे तो हंसेंगे, नहीं आएंगे तो काफी कुछ खोएंगे। फोन नंबर 6543210। नमस्कार। मारुति 1000 लगता है मारुति का नया मॉडल लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ऐसी कई गाड़ियां सुनाई दे रही हैं मुझे सड़क पे। देख प्रताप, तू भी अंधा है और मैं भी अंधा हूँ। तू जो बोलेगा मैं हाँ ही कहूँगा। ए जगो, ज्यादा ना बोल। यूं ही इतने साल गैराज नहीं चलाया मैंने, कान काट कर अलग कर दिया तो भी पहचान लू कौन सी गाड़ी है। नींद में आके पूछ कितने नट और कितने बोल्ट, बताऊ। अच्छा ये बता, फिएट प्रीमियर पद्मिनी में टोटल कितने नट होते हैं बता। ये भी बड़ा मामूली सा सवाल है, नींद में आके पूछना। तू भी यार कलाकार है। आइए मिस्टर काले, क्लब फॉर द ब्लाइंड में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी आवाज से चौंकेगा मत, आपके सर के ऊपर एक दरवाजे पर एक स्पीकर है जिससे मेरी आवाज आ रही है। धक्का देकर सीधे अंदर आइए। जी अच्छी बात है। गाड़ी का एक्सेलरेटर जोर से दबाए बिना गाड़ी अंदर नहीं आएगी। यहाँ और भी कोई है क्या? दो और लोग हैं, पर परिचय बाद में होगा। अभी आप आगे आके अपनी चारपाई ले लीजिए, सामान भी वहीं पे रखिएगा, आपको आसान रहेगा काले। जी ठीक है, लेकिन इस विचित्र स्वागत का मतलब नहीं समझा मैं। कमला, कमला ही नाम है ना आपका, ठीक से सुन नहीं पाया था। सही पहचाना आपने, कमला मास्टर। दरवाजा खोलते ही सीधा 5 फीट नीचे। अब चारपाई भी है या वो भी सिर्फ बातों में ही है। मिस्टर काले, आप पहले तसल्ली कर लीजिए। दरअसल ये क्लब में एक्सक्लूसिवली अंधे लोगों के लिए है। अब देखो फीस भी रीजनेबल है, मनोरंजन की भी 100% गारंटी। अब मैं खुद अंधी हूँ तो जो अंधा नहीं है वो इसका लाभ ना उठा पाए, इसलिए मैंने इसका निर्माण ऐसे करा लिया है। जैसे आप दाखिल हुए अभी। अरे दाखिल कहाँ हुआ, गिरा कहिए। उसी से मुझे आपके अंधे होने का विश्वास हुआ काले। आप ये बताइए आप चाय पीते हैं? हाँ हाँ चलेगी चलेगी। काले अगर आप पीते हैं मैं तभी बनाऊंगी। हाँ हाँ मैं चाय पीता हूँ, लेकिन बारिश के इस मस्त मौसम में अगर कॉफी मिल जाती तो बात ही कुछ और है। I'm sorry मिस्टर काले, कॉफी में बहुत तेज ना होती है, उससे मैं दूर रहना ही प्रेफर करती हूँ। लेकिन अगर आप खुद बना लेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं फिर आप चाय ही बना दीजिए। ये कॉफी में कैसे उत्तेजना, बात कुछ समझ नहीं आई। कॉफी पीने वाले व्यक्ति का पांव जिंदगी में ब्रेक पे कम और एक्सेलरेटर पे ज्यादा होता है, ऐसा कमला मैडम के। कमला का कमाल, मुझे लगता है ये कमला मैडम ने कभी कॉफी का स्वाद नहीं चखा। कभी नहीं कभी नहीं, अरे पूरी योगिनी है वो यार। छोटी मारुति। छोटी मारुति? वो रास्ते की गाड़ियों के बारे में कह रहा है। एक दो जट्टा, आप एक्सरसाइज करते हैं? अरे ये तो बहुत अच्छी आदत है। और भी कई अच्छी आदतें हैं।
धीरे धीरे सब मालूम हो जाएंगी आपको, बहुत मनोरंजन होगा आपका यहाँ। आप दोनों? आपकी तरह इस क्लब के मेंबर। आप दोनों यहाँ कब आए? मेरे घुटने की चोट ठीक हो गई है तो शायद 15 दिन हो गए। घुटना? अरे आपकी तरह 5 मिनट वाली परीक्षा हमने भी पास करी है। ये कमला मास्टर क्लब बहुत जोरदार चलाती है। किसी ना किसी तरह मनोरंजन तो होगा ही, जैसे अभी आपके अंदर आने से हुआ। गिरने से कहिए। एक ही बात है, हमारा तो बहुत मनोरंजन हुआ। आप क्यों फिक्र करती हैं? हमारी एंट्री भी कुछ यूं ही हुई थी, विदाउट साइलेंस। बाय द वे, ये है प्रताप और ये है जगु जगताप। ओ हाय, मैं हूँ काले, सदाशिव काले। काले 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 यानी कि ब्राह्मण या क्षत्रिय? क्यों, जाति क्यों पूछते? कुछ खास वजह है क्या? नहीं नहीं नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। वो क्या है ना, नई बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और वैसे भी हमारे देश में तो सारी बातें जाति पाति से ही शुरू होती है। लेकिन जो बंदा अंधा हो उसे गोरे और काले का क्या फर्क पड़े? वही तो। हाँ, वैसे मैं ब्राह्मण हूँ, देशस्थ। हाँ हाँ, होने दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वेरी गुड। वैसे एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ पूछिए। आपके हेडलाइट कब फूटे? हेडलाइट? किस चीज के हेडलाइट? अरे वो पूछ रहा है आप काला चश्मा कब से लगाते हो। काला चश्मा? अरे काले जी, करीबन 30 साल की उम्र में मैंने अपनी आंखें खो दी। 2 साल पहले जगो ने अपनी आंखों का अंतिम इस्तेमाल किया। अब आप बताइए आपके हेडलाइट कब फूटे? ओ, ये कुछ महीने पहले हुआ, मेरे बेटे के जनेऊ संस्कार के समय। अरे आपका बेटा भी है, कमाल है। काले आपकी गाड़ी की रनिंग तो बहुत अच्छी रही है। काले ये बताइए, आप बेटे के जनेऊ संस्कार में ऐसा क्या कर रहे थे कि आपकी आंखें चली गई? नॉटी बॉय। गंभीर हुए बिना बताना, इस क्लब में नो सीरियस टॉक। इतना बड़ा लॉस और गंभीर हुए बिना कैसे बता सकता हूँ भला? अरे आप फिकर मत कीजिए, जगो को बकवास करने की बहुत आदत है। आप अगर गाड़ी ऑफ ट्रैक लाए तो मैं वापस ऑन ट्रैक ले आऊंगा। चलिए घुमाइए चाबी। बायलैटरल रेटिनल डिटैचमेंट। जगताप, प्रताप, नियति के खेल भी अज्ञात होते हैं। जो कभी सोचा भी नहीं होता वो प्रत्यक्ष हो जाता है। आसपास चलने वाली ठंडी हवाएं तूफान में बदल जाती हैं, और आयुष्य की विसात पर जिंदगी के सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। आंखों के सामने के लक्ष्य और जीवन का उद्देश्य सभी सूखे हुए पत्तों की तरह उड़ जाते हैं, और जब ये तूफान थमता है तो हम एक नए अज्ञात रास्ते पर होते हैं, जहां अतीत के चिन्ह भी नजर नहीं आते और उन्हें ढूंढने का तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि 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 उन्हें ढूंढने के लिए हमारी गाड़ी में हेडलाइट सही होती है। चलिए छोड़िए काले जी, अब गाड़ी का कोई ना कोई अंग तो खराब होता ही है ना, लेकिन मुख्य इंजन मजबूत होना चाहिए, क्या जग्गू? अरे ये शॉर्ट में कह रहा है, जो इम्पोर्टेंट है वही बताओ यार। आई एम सॉरी, कहीं पढ़ा हुआ पसंदीदा मजमून था, बोलने की बहुत इच्छा थी, आज चांस मिला, एप्रोप्रिएट भी लगा तो बस चिपका दिया। अच्छा ये बात है, बाय द वे आपका पठन बहुत अच्छा है। धन्यवाद। मैंने अपने बेटे के जनेऊ संस्कार के लिए बहुत सुंदर आयोजन किया था। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर ढेर सारी तैयारियां करी थी, इतने सारे मेहमानों को बुलाया था, मेरे कितने सारे मित्र आने वाले थे, और उनमें से कुछ तो आ भी गए थे, लेकिन जनेऊ संस्कार की एक शाम पहले मुझे अचानक मेरी दोनों आंखों से दिखना ही बंद हो गया। डॉक्टर को बुलाया तो उसने 5 मिनट में डायग्नोज कर दिया, बायलैटरल रेटिनल डिटैचमेंट। मैं 5 मिनट में बर्बाद हो गया। नियति के इस आघात से पूरी तरह तहस नहस हो गया। बंडू को
उसकी वेशभूषा में देखने की इच्छा इच्छा ही रह गई। काले संभालो संभालो अपने को। अच्छा काले मैं क्या कहता हूँ, बंडू के जनेऊ संस्कार में उसकी चोटी रखवाई थी ऐसा रिवाज है इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ रिवाज तो है लेकिन उसको पसंद नहीं है इसलिए नहीं किया था। जखू, हाँ, जखू, हाँ, 10 बज गए। हाँ, स्नान का समय हो गया। प्रताप आप रोज 10 बजे स्नान करते हैं? बाजू वाले घर की लड़की करती है ये प्रताप रोज रोज नहाने का आदी नहीं है, ओकेजनली ओनली। बाजू के घर की लड़की? जवान लड़की काले, जवान लड़की। तुमने कभी किसी युवती को नहाते हुए सुना है? युवती को नहाते हुए सुनना? अब देखना नसीब नहीं है तो सुन ही लेते। युवती का स्नान सुनना। काले सुनो, इसमें केवल सुख ही सुख है। बाय द वे आपकी उम्र कितनी है? ये कोई 35-36 साल। फिर तो आपको बहुत मजा आएगा, यू विल रियली एंजॉय। अच्छा शट अप, शावर शुरू होने वाला है, कैसेट के साथ तैयार? हाँ हाँ हाँ। कैसेट? काले जी स्नान के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक। आपको ऐसा लगेगा किसी फिल्म की हीरोइन नहा रही है। हीरोइन? आइए काले जी आइए, ध्यान से। यहाँ खड़े हाँ, 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 चुप चुप चुप, यहाँ खड़े होकर कान लगाइए दीवार से। अच्छा चुप ना। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। जगू आप, जगू आप। हाँ। ये गीत किस लिए? अरे स्नान से पहले शरीर से कपड़े उतारने होते हैं ना काले। लेकिन ये राग मेरी गंगा बहने पे गाना क्यों? अरे इसका अलग थलग होकर स्नान मत सुनो, इसमें खो जाओ काले। जाओ। आपको लगेगा आप इस गीत के हीरो हैं। हीरो? आप स्वयं राजीव कपूर हैं। कपूर? 36 साल के? शट अप। काले ये महिला आपके पौरुष पर फिदा होकर जल थल में सिर्फ आप ही को देख रही है। सब सब आप ही को समझ कर ये आपकी मंदाकिनी स्नान कर रही है। काले स्नान कर रही है। इतनी सुंदर कल्पना। क्योंकि ये कल्पना नहीं संभव है। जगू साबुन कहाँ गया? डाल डाल। अरे नहीं आज संतूर है, संतूर संतूर। आपने कुछ कहा? अरे आप सुन के तो देखिए, आपको मालूम होगा कि उसने बदन पे साबुन लगाना शुरू कर दिया है। लगता है मेरे बदन से उसके साबुन की खुशबू आ रही है। आने दीजिए आने दीजिए, पागल होके चिल्लाइएगा मत, क्या पता कल से नहाना छोड़ दे। क्यों काले लगा कपूर साहब की तरह? काले ए काले हीरो, काले हीरो होश में आओ, स्नान समाप्त हुआ। हाँ? क्या स्नान समाप्त हो गया? ऐसा लगता है मानो सुख के पल हाथ में आते आते फिसल जाते हैं या फिर किसी पंछी की तरह फुर्र से उड़ जाते हैं। अच्छा जगता अभी वो अपना बदन पोंछ रही होगी ना? हाँ पोंछ तो रही होगी, लेकिन बदन पोंछने की आवाज सुन रहे जितने हमारे लंबे कान कहाँ? अरे वहां माइक्रोफोन लगा है ना? हाँ लगा। अगर वो टर्किश टावल इस्तेमाल करती है ना तो वो जरूर कैच करेगा। सिर्फ घर 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 सुनाई देगा। हाँ ये भी सही है, लेकिन एक स्नान से हमारे पूरे महीने की फीस वसूल हो गई।
ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि इस महिला को रोज रोज नहाने की आदत है। ये आपने सही कहा, ये प्रताप साल में एक बार भी नहा ले तो गनीमत है। लेकिन ये महिला 70 की उम्र में भी कितनी सफाई पसंद है। 70? ये नहाने वाली महिला 70 साल की है? क्या मालूम वो महिला भी है ना। क्या मतलब? काले जी, इस क्लब का एक ही मोटो है, किसी ना किसी तरह मनोरंजन करना या करवा लेना। अभी आपका मनोरंजन हुआ कि नहीं? हाँ। हुआ कि नहीं? हुआ तो सही। अरे अच्छी कल्पनाओं से मनोरंजन करवा लेने में हर्जी क्या है? बगल के बाथरूम से रोज 10 बजे स्नान की आवाजें आती है। अब ये हमें तय करना है कि कौन नहा रहा है। अगर बगल के बाथरूम में कोई अपना कुत्ता भी नहला रहा है तो एक सुंदर युवती नहा रही है, ऐसा सोचने में हर्जी क्या है? लेकिन हाँ, सही है, सच्ची है। अच्छा काले जी, आपको और भी गाने पसंद है या सिर्फ राम तेरी गंगा वैली का? अरे नहीं नहीं मुझे सारे गाने पसंद है, लगाइए ना कोई। हाँ सुनिए। अपने दीवाने का, अपने दीवाने का कर दे पूरा। डायबिटीज के बारे में कैसे मालूम चला? आपका एक ही बेटा है ना, उससे मालूम हुआ। मतलब मैं समझा नहीं। आप देखो, आपकी शादी को 8 साल हो गए, तब भी आपका एक ही बेटा है। रीजन डायबिटीज। डायबिटीज से वो फर्टिलिटी कम हो जाती है ना। आप नर्वस मत होइएगा काले जी, इनको बात करने की आदत ही कुछ ऐसी है। आपका स्पर्म काउंट एकदम ठीक है, डोंट वरी। मैं क्या कहता हूँ काले, एक बेटा बहुत हुआ, अब तुम्हारी इस प्रजनन शक्ति का क्या फायदा? मेरी राय में तो हर व्यक्ति का एक बच्चे के बाद प्रजनन शक्ति समाप्त हो जानी चाहिए, खासकर भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में। सही कहा, इसी बात पे दे ताली। आई एम सॉरी। सही तो है, केवल पुरुष की प्रजनन शक्ति खत्म होने से क्या होगा? सही कहते हैं आप काले जी, आखिर एक टॉर्च में प्रकाश के लिए तो 2 बैटरियों की जरूरत होती है, वो भी 4। इस क्लब में बात करते हुए मर्यादाओं का ध्यान तो रखना ही होगा। अश्लील और विभत्स बातें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। है काले, आप तरह वह पॉम्फ्रेट खाते हैं? कुछ कहा आपने? अच्छा, मैं सिगरेट पी सकता हूँ, मालूम नहीं क्या आपको अश्लील लग जाए। काले, मेरा विरोध सेक्सुअलिटी से बिल्कुल नहीं है। सेक्सुअलिटी तो जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसकी बात एक सही समय और सही जगह पर ही होनी चाहिए। हाँ खैर, पॉम्फ्रेट का बताइए आप। हाँ हाँ, मैं पॉम्फ्रेट खाता हूँ। मैं सोच रही थी आज रात के खाने में पॉम्फ्रेट बना लेती हूँ। आप खाते हैं, अच्छी बात है। और काले, अंधों के बाकी सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं हर जाने के तौर पे। हर जाने के तौर। काली जी, काली जी, नॉनवेज चौथा हंसिए हंसिए। मेरे हंसने कहने पे हंसे हैं समझ कर। अरे भाई, तुम्हें क्या लगता है, मुझे भी नॉनवेज जोक्स बहुत पसंद है। नॉनवेज जोक्स सुने बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती। अभी मेरी पत्नी सुनाती है, और बचपन में छुप छुप के अपने माँ बाप के सुनता था। नॉटी बॉय। हाँ हाँ, चलते हैं। वो क्या है ना, दरअसल सामने वाले रास्ते पर एम्बेसडर खड़ी है। काले को पता नहीं होगा इसलिए बता देता हूँ,
काली जी, दरअसल बात ऐसी है कि गाड़ी शुरू होने पर जो बैकफायर की आवाज आती है उसे सुनने में मुझे बड़ा ही आनंद मिलता है। ऐसा नहीं कि सुनने को रोज रोज नहीं मिलता, पर क्यों ना आजमा कर देखें। बिल्कुल। चुप चुप चुप। अरे वाह, काले का शगन उत्कृष्ट हुआ। गाड़ी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बैकफायर करी। फिजक 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 मछली पकड़ने, मछली पकड़ के लाएंगे और उसके बाद में फ्राई करेंगे। अरे नहीं नहीं, खाने की मछली तो मैंने पहले ही अंदर जाकर रखी है। ये तो एक बहाना है, यहाँ पीछे एक तालाब है जहाँ जाकर बैठना मुझे बहुत पसंद है। खाने की स्वयं करने का मौका मिल जाता है। जैसे ही मछली फंसाने की कांटा पानी में डूबता है, मैं अपने मन के तालाब में डूब जाती हूँ। अब आंखें तो है नहीं, मन की आंखों से ही दुनिया देख लेती। वैसे काली भी कहती हूँ कि ध्यान चिंतन करते रहना चाहिए। जीवन में से की मछली कब कांटे में फंसेगी कह नहीं सकते। देखो बुध को पेड़ के नीचे मिला, रामदास को शादी के मंडप में, क्या पता मुझे तालाब में मिल जाए मछली पकड़ते वक्त। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और क्या पता मुझे इनके बगल में गाड़ी के हॉर्न सुनते सुनते किसी हॉर्न में जीवन का राज मिल जाए। और मुझे डंबल में। जट्टा, आप सिगरेट पीते हैं? नहीं, सिगरेट नहीं पीता। अच्छा जट्टा, आप एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछिए पूछिए। नहीं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। अरे बिंदास पूछो। आप अंधे कैसे हुए? काले एक सिगरेट है। हाँ दीजिए। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप सिगरेट नहीं पीते। काले, जब सीरियस बात करनी होती है तो मैं कभी कभी सिगरेट पी लेता हूं। लाइटर। काले, सिगरेट पीने से एक अजीब गंभीर सा माहौल क्रिएट होता है। पहले कुछ बोलना, फिर बीच में धुआं छोड़ना और फिर बाकी बातें बोल देना, एकदम टेंशन क्रिएट होता है। काले, काले मुझे कैंसर है। हाँ? अरे मजाक मत कीजिए। नहीं काले, मैं सच कह रहा हूं, मुझे कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर, मैलिग्नेंट। ओह, आई एम सॉरी। फॉरगेट इट काले, आप अपनी सहानुभूति अपने तक ही रखिए, लेकिन अभी मैं जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, काफी इंटरेस्टिंग है। काले, मनुष्य के दिमाग के बीच में ऑप्टिक काइज़मा होता है। अरे आंखों को सेंसेशन देने वाली दो नर्व्स जहां क्रॉस होती है उसको डॉक्टरी भाषा में ऑप्टिक काइज़मा कहते हैं। काले, मेरे ऑप्टिक काइज़मा पर ट्यूमर बैठा है। काले देखो। अच्छा देख नहीं सकते तो समझ तो सकते हो ना, हाथ दिखाओ। ये जो क्रॉस बन रहा है ना काले, इसके बीच में वो गट्टू बैठा है। बताओ कौन? हाँ, मैलिग्नेंट ट्यूमर। सही बताया काले। काले, जब ट्यूमर शुरू हुआ तो चने के आकार का था, फिर चना आंवला बन गया। काले, मुझे आंखों के किनारों से दिखाई देना बंद हो। पहले तो मैं सड़क पर चलती लड़की को तिरछी नजरों से देख लिया करता था, लेकिन अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। काले, अंधेरा ही अंधेरा। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, लेकिन किसी और विषय पर बात करते हैं। नहीं नहीं सुनो काले, सारे टेस्ट हुए तब तक ये आंवला कागजी नींबू बन गया था। काले, डॉक्टर ने ट्यूमर को नॉन ऑपरेटिव बताया और रेडिएशन के बारे में बोला। बाल झड़ना, बुखार, उल्टी, ये सब मैं सहन नहीं कर पाता काले।
इसलिए कुछ नहीं करवाया। मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, रेडिएशन के बारे में सुना तो है लेकिन कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा छोड़िए ना, किसी लाइट विषय पर बात करते हैं। हाँ हाँ काले, तो ये बताओ तुम्हारी वाइफ ब्राह्मण है? हाँ ब्राह्मण, लेकिन ये क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही पूछा, जिससे मेरी शादी तय हुई थी ना वो ब्राह्मण थी और मैं क्षत्रिय इंटरकास्ट, वो मसूरी से थी। मसूरी? मेरी पत्नी भी मसूरी की ही है। अच्छा काले, मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री मिलते ही मसूरी पॉलिटेक्निक में जॉब मिल गया। अजीब सी स्मार्टनेस, अजीब सा कॉन्फिडेंस, सब कुछ आ गया था मुझमें। ऐसा लगा पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। फिर धीरे धीरे लड़कियों का ख्याल पनपने लगा। मेरी उससे मुलाकात हुई, मुलाकात दोस्ती में और दोस्ती को प्यार में बदलने में पल भर भी नहीं लगा। समझ रहे हैं ना? हाँ थोड़ा थोड़ा। अच्छा काले, एक सिगरेट और दे दो। हाँ, अरे नहीं नहीं, सिगरेट आपके लिए ठीक नहीं है। अरे छोड़ो काले, कैंसर और सिगरेट का क्या संबंध? आप तो उस डॉक्टर की तरह बात कर रहे हैं जो नाक से पानी बहने पर स्टूल टेस्ट करा देता है। नहीं, आपको सिगरेट फिर भी नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है ठीक है। काले, तो इस तरह हमारा प्यार मसूरी की सुंदर वादियों में परवान चढ़ा। कभी घंटों एक दूसरे को देखना, कभी घंटों एक दूसरे से बातें करना, और हाँ लव लेटर्स। काले, तुमने कभी अपनी वाइफ को लव लेटर लिखा है? हाँ लिखा है ना, जब वो मसूरी जाती थी अपनी माँ के पास, ताकि वो जल्दी वापिस आ जाए। हाँ बिल्कुल ठीक, और वो तुरंत लौट आती थी। आएगी ही मसूरी की जो है। हाँ मसूरी। काले, हमारी शादी का शुरू में विरोध हुआ लेकिन बाद में प्रिंसिपल साहब मान गए। प्रिंसिपल साहब? अरे मेरे होने वाले ससुर मसूरी आर्ट्स कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल प्रोफेसर गोकर्ण। अरे उनका घर और मेरा कॉलेज एक ही कैंपस में थे, तभी मेरी मुलाकात सुधा से हुई। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी काले, मुझे ट्यूमर हो गया। जगताप, आप झूठ बोल रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि प्रिंसिपल गोकर्ण आपकी और सुधा की शादी के लिए राजी हो जाए। काले मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। हाँ लेकिन इस पल तो आप पूरा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रिंसिपल गोकर्ण की आप बात कर रहे हैं ना, दैट मैन इज डेड फॉर मोर देन 2 इयर्स। काले तुम ये अट्टी की सीमा से बाहर जा रहे हो। इतने दिन मसूरी में रहे और तुम्हें ये नहीं पता कि प्रिंसिपल गोकर्ण की डेथ हो चुकी है? काले अरे बस करो यार, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारे झूठ का सबूत है मेरे पास। तुम जिस सुधा की बात कर रहे हो ना, प्रिंसिपल गोकर्ण की इकलौती बेटी सुधा, वो पिछले 8 वर्षों से मेरी पत्नी है सुधा काले, और इसका सबूत है मेरे पास मैरिज रजिस्ट्री में। काले ये तुम कौन सा खेल खेल रहे हो मेरे साथ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? सुधा से मेरे एक बेटा है जिसका नाम बंडू है, वो पूरे 7 साल का है। मैंने सुधा को मसूरी भेजा ताकि वो अपनी माँ का ध्यान रख सके अपने पिता की डेथ के बाद। सुधा? कौन सुधा? मेरी प्रियतमा सुधा? मेरी पत्नी सुधा। हम लोग ने ये डिसाइड किया कि मैं और बंडू यहीं पर रहेंगे और सुधा अपनी माँ के पास रहेगी मसूरी में। 15 दिन के बाद एक वीकेंड पे हम उसे मिलने जाते थे। अच्छा, तभी सुधा मुझसे वीकेंड्स पर मिलने नहीं आती थी। हाँ तुम झूठ बोल रहे हो जगताप, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे छोड़िए काले, सुधा जवान थी। अरे एक अंधे के साथ पूरी जिंदगी बिताना उसकी कल्पना भी कितनी मुश्किल थी उसके लिए। फिर उसे मैं मिला, हैंडसम स्मार्ट यंग और आंखों वाला। उसने मुझे जीवन साथी के तौर पे चुना, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे भी हेडलाइट्स आपकी तरह फूट गए काले। मैंने अपनी असुविधाओं की परवाह किए बिना उदार मन से उसे मसूरी भेजा ताकि वो अपनी माँ की देखभाल कर सके, और उसने ये भूलकर कि वो शादीशुदा है, और ये भी भूलकर
कि उसके एक बच्चा है एक पराये पुरुष के साथ प्रेम क्रीड़ा करी। पराया? अरे काले हम पराये कहाँ, अभी हमारी मुलाकात तो हो गई। अगर ये रिश्ता हो गया होता तो हम दोनों एक अनोखे बंधन में बंध गए थे, तुम्हारी सगी पत्नी का मैं सगा पति। आओ कल, अरे गले मिलो गले मिलो गले मिलो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे काले काले, अरे क्या हुआ काले? तुम ये जो टापा है मैं उसका गला घोट दूंगा, मैं उसका गला घोट दूंगा। काश हमें दृष्टि होती तो हम भी देख पाते कि गला कैसे घोटा जाता। अभी कांटे में मछली बसाकर देखी ना, बहुत हुआ। मैं तो कहता हूँ इसे इसका गला घुटने दो, जगताप बहुत किंकी है, बहुत मजा आएगा उसे। जगताप आप बकवास बंद कीजिए और ये मछली मेरे पास दीजिए। अच्छा ताले, तुम्हारा शगुन तो बहुत ही बढ़िया है, आज ध्यान चिंतन इतना अच्छा हुआ और मछली भी बहुत बड़ी मिली। जगु ताले का ध्यान रखा जाए, काले हमारे लिए बहुत लकी है। हे भगवान, इस जिंदगी में और क्या क्या देखना बाकी है। अरे क्या हुआ, लगता है आपकी गाड़ी की हवा टाइट हो गई। बर्बाद हो गया मैं, पूरी तरह बर्बाद। क्यों चिंता करते हैं, अभी मालूम हो जाएगा, ये सब एक मजाक था। मजाक? काहे का मजाक, पूरा जहर उगल दिया उसने। जरा तमीज से बात कीजिए, ये भी कोई बर्ताव करने का तरीका हुआ? आप ही बताइए क्या रखा है आपके रोज के डेली रूखी सूखी रूटीन में। लाइफ तो थ्रिलिंग होनी चाहिए ना काले जी, वरना 100 फीट चौड़ा चिकना हाईवे का रास्ता और आप वहां गाड़ी चलाए जा रहे हैं खुशी से। रॉक ऑन के गाने लगा के सोच रहे हैं आप कि आपको एड्रेनलिन रश मिल रहा है। लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए जैसे ना किसी भी ऊंच पे चढ़ाई, पहाड़ का रास्ता, एक तरफ ऊंची ऊंची चट्टाने और दूसरी ओर गहरी खाई। आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अचानक से आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए, इसे कहते हैं सिचुएशन। और हमारी सिचुएशन इससे कुछ अलग है क्या काले जी? न जाने कैसे और कब इस उम्र में आके हम लोगों ने अपनी आंखें खोली। I know, रूट टफ है, लेकिन जर्नी में मजा इसीलिए आएगा क्योंकि रूट टफ है, समझे? सुना देखो, सुना, लगता है कंटेसा और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई है ना, तो इसी में लगा रहेगा। काले जी, इसने इतना लंबा लेक्चर पिलाया लेकिन आपकी पत्नी और मेरी प्रियतमा सुधा के नाटक के बारे में एक शब्द नहीं बोला। लंपट। नाटक क्या? ये सुधा, प्रिंसिपल गोकर्ण, मसूरी, ये सब नाटक था? पूरा नाटक, सब नाटक। लेकिन कितना थ्रिलिंग हुआ ना ये नाटक। हे भगवान। लेकिन ये इतनी सारी जानकारी कहाँ से मिली तुम्हें? अरे कुछ नहीं, आपने सुबह मेंबरशिप के लिए फोन किया था, कमला मास्टर ने आपका नंबर सेव कर लिया। फिर बाप जब आप घर पे नहीं थे तो भाभी जी से हमने घंटों बातें करी। और काले कुल का इतिहास कंठस्थ कर दिया। एक बात बताओ, भाभी जी बातें बहुत अच्छा करती है, अफेयर करने में बहुत मजा आएगा। भला हो इस क्लब का, यहाँ मिनट दर मिनट एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है। लेकिन जगताप, आपको इतनी गंभीर बीमारी है फिर भी आप मजाक कैसे कर लेते हैं? अरे इनकी वो कैंसर की बीमारी भी उस खिड़की वाली मंदाकिनी की तरह फेक थी, सिर्फ मूड क्रिएट करने के लिए। हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आता कि मनोरंजन के लिए इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है। मनोरंजन तो वैसे भी हो सकता है ना, और वैसे भी जहाँ चार अंधे मिल जाएं तो मनोरंजन तो वैसे ही हो जाएगा, जैसे जहाँ चार यार मिल जाए वही रात गुलजार, जहाँ चार यार। काले, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? ऑल दिस इज वेरी सीरियस। अगर तुम्हें पता चलेगा ना पांडे के बारे में तब तुम्हें इसकी गंभीरता महसूस होगी। पांडे? कौन पांडे है? अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला, अब मैं आपके सारे मजाक समझता हूँ। काले, मुझे एक सिगरेट दीजिए। हाँ दीजिए। तो प्रताप,
आप भी सीरियस होते हैं? ओह प्रताप भी सीरियस होता है भाई, प्रताप भी सीरियस होता काले, है। काले हंसिए मत, अभी जो होने वाला है उसको बहुत ध्यान पूर्वक और भक्ति भाव से करना होगा। हाँ लेकिन करना क्या होगा लाइटर? काले आप शुरू से घटनाक्रम पर ध्यान दीजिए। आपका यहां प्रवेश कैसे हुआ? आप जोर से गिरे, आपके लिए एक सरप्राइज, फिर हमारी मुलाकात, थोड़ा रिलीफ, फिर शावर यानी कि सेक्स, रोमांस, एक्साइटमेंट, और उसके बाद ब्रेन ट्यूमर, डर, सहानुभूति और आपकी वाइफ से मेरा अफेयर, आपके लिए एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस, और ये सब होने के बाद सब झूठ होने का रिलीफ, कितना ऊपर नीचे ऊपर नीचे, रोलर कोस्टर वाली फीलिंग है ना काले? हाँ, टाइम तो बहुत अच्छा पास हुआ। ये आप लोग इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं काले, ये कमरा साउंड प्रूफ है, आप चिल्लाओगे इसलिए कमला मास्टर ने ऐसा बंदोबस्त किया है। चिल्लाऊंगा क्यों? अरे भाई मैं खामखा क्यों चिल्लाऊंगा? आप भागने का प्रयास भी करेंगे लेकिन आप भाग नहीं पाएंगे क्योंकि कमरे का दरवाजा फर्श से 5 फीट ऊपर है। अरे भाई मैं भागूंगा क्यों? ये पागल जैसी बात क्यों कर रहे हो? और ये सब होने के बाद आखिरी प्रयास में आप खिड़की से छलांग लगाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन आप खिड़की से छलांग लगा नहीं पाएंगे क्योंकि ये खिड़की भी कल्पना दायक है, तो आपको छलांग की कल्पना में ही लगानी होगी काले जी। ये आप लोग क्या बोल रहे हो? या तो आप पागल हो गए हो या मुझे ऐसा आभास हो रहा है। काले एक महीने पहले की बात है, कमला मास्टर के सपने में भैरवनाथ जी आए थे, आंखें वापस मिलने के लिए 3 अंधों की बलि के बारे में बताया उन्होंने। काले हम अंधे हैं लेकिन अंधश्रद्धालु नहीं। जैसे ही हमें मालूम हुआ कि भैरवनाथ के सामने अंधे की बलि चढ़ाने से ही अंधापन दूर जा सकता है तो हमने सोचा क्यों ना आजमा कर देखे। हम 3 थे, मैं, प्रताप और कमला मास्टर। अब हमें 3 अंधों की जरूरत थी बलि के लिए। कमला मास्टर को इसी चिंता में इस क्लब का ख्याल आया और इस क्लब का विज्ञापन रेडियो पर देकर यह देखने की कोशिश करी कि कोई अंधा आता है कि नहीं। पहले पांडे आया और फिर सच विज्ञापन से लोग जहर भी खुशी से पी लेते हैं। लोग सही कहा जग्गू, सही कहा। बाकी सब तैयारी हो गई? हाँ मैडम सब तैयार है, सब तैयार है। और माइक और वो टेप वो चेक करा तुमने? हाँ मैडम टेप चेक कर ली। और तुमने काले को बताया कि ये कमरा किस तरह से है? मैडम साउंड प्रूफ है, खिड़की नहीं है, सब कुछ बता दिया। आप लोग क्या करने वाले हैं मेरे साथ? काले काले ये अंधापन एक बहुत अजीब सी कमी है, जन्म से है या बचपन से हो तो इंसान जीना सीख लेता है आंखों वाले व्यक्ति की तरह क्योंकि आसान है, पर हम लोग जो ये जीते जी अपनी आंखें खो देते हैं, ये दुर्घटना हमारे जीवन से सारा अर्थ निचोड़ लेती है काले। पर खैर प्रताप काले को गुलाल अभी लगाया जाए। जी। मैं नहीं लगवाऊंगा। काले आप भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान को ऐसा सूना माथा अच्छा थोड़ी लगेगा, अभी तो आपको लगवाना ही पड़ेगा। नहीं आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। जय भैरवनाथ। आपका यहाँ से भागना असंभव है। देखो अब तुम्हारी अंतिम विधि पूर्ण होने वाली है और वो शांतिपूर्ण होनी चाहिए। अब तुम मेरी बात सुनो, जिस इंसान ने ये दुनिया देखी है, इसके रंग, इसके रूप, इसकी छटाई देखी है, मसूरी के पहाड़ देखे हैं, लंडौर की गलियां देखी है, ऋषिकेश की नदियां देखी है, उसके लिए ये सोचना कि अब तक जो देखा है वो अब कभी नहीं दिखेगा, यह कल्पना मौत से भी बदतर होती है काले, मौत से भी बदतर। पर
पर अब मेरी आंखें वापस आ जाएंगी काले, अब मेरी आंखें वापस आ जाएंगी, मेरी बलि चढ़ा कर मेरी आंखें वापस आ जाएंगी। तुम्हें काक भैरवनाथ की आरती आती हो तो मन ही मन गाना शुरू कर सकते हो, हम लोगों को पहले से आती है। अब हम तीन थे तो बलियां भी हमें तीन चढ़ानी थी, पहले पांडे, दूसरे आप और तीसरे नए मेंबर सोनू। सोनू कब आ रहे हैं जग्गू? मैडम शाम को आ रहे हैं, टेलीफोन पे बताया। परफेक्ट, तो कार्य का क्रियाक्रम हो गया, निपट भी चुका होगा। मास्टर मेरी आरती पूरी हुई, मैं चाकू लेकर आता हूँ। हाँ अब समय हो गया है, अब काली की अंतिम घड़ी पूर्ण होने आई है। काले अब आप भागने का प्रयास शुरू कर सकते हैं, चिल्लाइए भागिए काले भागिए, पर सामने खिड़की है ऐसी आपको कल्पना करनी होगी क्योंकि खिड़की वहां है ही नहीं। रन फॉर योर लाइफ काले, रन फॉर योर लाइफ। आपको लगा होगा कि पांडे को मार के आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मुझे मार के आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरी पत्नी को आपका एड्रेस मालूम है, वो मुझे ढूंढते हुए जरूर आएगी। पर एक महीने बाद, क्योंकि आप तो एक महीने की छुट्टी पर आए हो। वैसे जग्गू एक महीने बाद तो पांडे और सोनू की पत्नी भी आएगी। हाँ। पर तब यहाँ कौन होगा? हम तीनों तो अपनी नई नजरों के तीर कहीं और ही चला रहे होंगे। मैडम काले की गर्दन धोनी है या ऐसे ही काटेंगे? ऐसे ही काटेंगे जग्गू, वो ऐसे ही काटेंगे। बचाओ, अरे भाई कोई है, मंदाकिनी जी। अरे सब नाटक था, सब नाटक था। कुत्ता जी, बाँ 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 बाँ। अरे अरे वहाँ दुर्भाग्य से कुत्ता भी नहीं नहाता। अरे सारा स्नान तो इस कैसेट में है। आ जाओ शांत लीजिए काले सेब खाइए। पहले काले को आराम से बैठने दो, लगता है ये मनोरंजन का डोज उसके लिए कुछ ज्यादा ही हो गया। ये सब मजाक था? ये सब भी एक नाटक ही काले, दरअसल क्लब के पहले दिन के एंटरटेनमेंट का एक भाग हर नए मेंबर के साथ करते हैं। मैं पानी लेके आ। क्यों काले टंकी सूख गई? लीजिए अपनी टंकी भर लीजिए, अच्छा लगेगा। धन्यवाद। तो फिर पांडे का क्या हुआ? अरे पांडे इस मनोरंजन का आनंद नहीं उठा पाया। अरे पहले ही दिन शाम को अपने घर भाग गया, लेकिन पूरे महीने की फीस चुकाई उसने 5100 रुपए। अब आपका क्या ख्याल है काले जी? अरे भाई मैं यहाँ नहीं रहूंगा, बहुत भारी पड़ा ये मनोरंजन, बहुत भारी पड़ा। अरे काले अब आपका नयापन समाप्त हो चुका है, अब आप पुराने हो गए, नए मेंबर के मनोरंजन का आनंद उठा सकते हैं। तो काले फिर आप रुकेंगे या पूरी फीस भर कर चले जाएंगे? अरे नहीं मास्टर, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। कितनी फीस गई? 5100 ना। हाँ ये एनवलप में पूरे 6000 रुपए हैं, रख लीजिए। छह हजार ही है ना काले? पूरे दिन के दिए थे। हाँ पूरे के। घंटी घंटी बजी। तो काले अब क्या ख्याल है? नया मुर्गा, नया मुर्गा। तो लाइए मेरी फीस वापस लीजिए। अंदर कोई है? आइए सोनू जी आइए, क्लब फॉर द ब्लाइंड में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी आवाज से चौंकिए मत, दरवाजे के ऊपर एक स्पीकर है जिससे मेरी आवाज आ रही है, दरवाजा खुला है, धक्का देकर सीधे अंदर आइए। हाँ ठीक है आता हूँ। Welcome to
Thank you.